हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ एक्सरसाइज 5.1। 5.1 के हमारे 14 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं दो वीडियो के अंदर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इफ़ x लेस देन 0, 0 इफ़ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, 4x इफ x ग्रेटर देन 1। हमें ये फंक्शन दिए हुए हैं, इसके लिए हमें क्या बताना है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस। पहले हम पॉइंट निकालेंगे कि किस किस पॉइंट के लिए हमें प्रूव करना है। अब देखो, 0 के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, 1, 2, 3। 3 कंडीशन है तो 0 के लिए अप्लाई करेंगे 1, 2, 3। 3 कंडीशन 1 के लिए है, 0 और 1 दोनों के लिए हम अप्लाई करेंगे। कैसे, पहले क्या करेंगे, लेट अस एग्जामिन एट द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। हम कंटिन्यूटी प्रूव कर रहे हैं किसके लिए, एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए एंड एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए। एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 के लिए हम निकाल रहे हैं तो f0 हमारे पास क्या दे रखा है, जब हम 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं तो फंक्शन क्या दे रखा है, 0। लेफ्ट एंड लिमिट क्या आ जाएगी, 0 माइनस एच, और जब हम लेफ्ट एंड लिमिट में जाते हैं 0 से कम लेते हैं तो लेस देन के लिए फंक्शन क्या दे रखा है, 2x। लिमिट क्या आ जाएगी, h टेंस टू 0 x टू एज इट इज़ x की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 0 माइनस एच इज इक्वल टू 2 की और 0 की मल्टीप्लाई 0 और 2 और h की मल्टीप्लाई माइनस 2h, लेकिन वो भी क्या है, 0, तो क्या आ जाएगा, 0। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h, और जब हम ग्रेटर के लिए फंक्शन देखते हैं तो ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या दे रखा है, 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 0, ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, एज इट इज़ 0। तीनों हमारे पास इक्वल है, देन फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 के लिए। नेक्स्ट है एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए हमें प्रूव करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है डिसकॉन्टिन्यूस। f1 इज इक्वल टू 0, जब हम 1 के इक्वल लेके चल रहे हैं तो फंक्शन कैसा है, 0 दे रखा है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, x टेंस टू 1 माइनस h आ जाएगी और फंक्शन क्या दे रखा है वहाँ, 0। लिमिट h टेंस टू 0, 0 एज इट इज़ रहेगा तो क्या आ जाएगा, 0। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h, प्लस के लिए हमारे पास बड़ा फंक्शन है तो 1 प्लस h और उसके लिए क्या दे रखा है, फंक्शन 4x। लिमिट h टेंस टू 0, 4x की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 1 प्लस h, 4 के और 1 के मल्टीप्लाई 4 हो जाएगी और h हमारे पास 0, तो ये हमारे पास आया 4। अब f1 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, बट राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू 0, देन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 के लिए। तो फंक्शन 0 के लिए कॉन्टिन्यूस है बट x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 इफ x लेस देन और इक्वल टू माइनस 1, 2x इफ माइनस 1, x हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है माइनस 1 और लेस देन और इक्वल टू 1, 2 इफ x ग्रेटर देन 1। अब हमें तीन कंडीशन दी हुई हैं, इन तीनों से हम क्या देखते हैं कि माइनस 1 के तीनों फंक्शंस दिए हुए हैं, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। इसी तरह 1 के भी हमारे पास तीनों दिए हुए हैं, तो हम दोनों के लिए प्रूव करेंगे, माइनस 1 के लिए भी और 1 के लिए भी, कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस। Let us examine the continuity at x is equal to 1 and at x is equal to minus 1. दोनों के लिए हम अप्लाई करेंगे। एट x इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, माइनस 1 के लिए हमें क्या दे रखा है, एफ ऑफ माइनस 1, जब हम इक्वल रख रहे हैं तो हमारे पास क्या दे रखा है, माइनस 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आएगा, एज इट इज माइनस 2। लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या है, कि हम उसमें से कुछ कम कर रहे हैं। लिमिट क्या आ जाएगी, एक्स टेंस टू माइनस 1 माइनस एच, जब उसमें से हमने लिमिट को में से कुछ कम कर दिया, लेस कर दिया, तो भी फंक्शन क्या है, माइनस 2, एज इट इज़ आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2, ये कॉन्स्टेंट x है ही नहीं, तो एज इट इज़ क्या आएगा, माइनस 2। फिर ग्रेटर देन के लिए फंक्शन देखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x। राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, 2x। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 प्लस h, 2x दे रखा है फंक्शन, लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, h टेंस टू 0, 2 इंटू माइनस 1 प्लस h इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 हो जाएगा, h हमारे पास क्या हो गया, 0, ये हमारे पास क्या आया, माइनस 2। अब हमारे पास f माइनस 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या आ गई हमारे पास, माइनस 2, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट टाइम एट x इज इक्वल टू 1 के लिए, x इज इक्वल टू 1 के लिए जब हमने 1 पे अप्लाई किया, f1 इज इक्वल टू फंक्शन क्या दे रखा है, 2x,
टू एक्स की जगह हमने वन रिप्लेस कर दिया, टू वन जा टू। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या दे रखा है, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एच, फंक्शन आपको दे रखा है टू एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, टू को एज इट इज रखा, एक्स को रिप्लेस कर दिया वन माइनस एच, एच हमारे पास जीरो है, टू वन जा टू। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एच, फंक्शन क्या दे रखा है उसके लिए टू दे रखा है, लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, ये एज इट इज टू कॉन्स्टेंट है तो हमारे पास क्या आया एज इट इज। एफ वन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल है, सो फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें क्या बताना है रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए और बीच के रिलेशनशिप बताएंगे, सो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड बाय, आपको ये फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वन इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू थ्री, बी एक्स प्लस थ्री इफ एक्स ग्रेटर देन थ्री, इज कॉन्टिन्यूस दैट एक्स इज इक्वल टू थ्री। क्या दे रखा है आपको कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, किसके लिए x इज इक्वल टू थ्री के लिए। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है तब हमें क्या फाइंड करना है a और b के बीच की रिलेशनशिप। अगर हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है इट मीन्स तीनों हमारे पास इक्वल हैं, तो क्या करेंगे गिवन में हमारे पास क्या फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस दैट x इज इक्वल टू थ्री के लिए, तो क्या आएगा एफ थ्री इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल आएंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एफ थ्री, एफ थ्री इक्वल के लिए फंक्शन क्या है ए एक्स प्लस वन, ए एक्स प्लस वन फंक्शन दे रखा है, एक्स की जगह हम किसको रिप्लेस करेंगे थ्री को, ए मल्टीप्लाई थ्री प्लस वन क्या आ जाएगा थ्री ए प्लस वन। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या दे रखा है लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस एच आ जाएगा, लेफ्ट हैंड के लिए भी यही फंक्शन है क्या आ जाएगा थ्री माइनस एच ए एक्स प्लस वन, लिमिट एच टेंस टू जीरो ए को हमने आगे रखा, एक्स की जगह क्या रखा थ्री माइनस एच और प्लस ए वन, लिमिट एच टेंस टू जीरो थ्री की और ए की मल्टीप्लाई थ्री ए माइनस ए एच प्लस ए वन, एच टेंस टू जीरो है ये हमारे पास क्या होगा जीरो, क्या आ जाएगा थ्री ए प्लस ए वन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए फंक्शन क्या है बी एक्स प्लस ए थ्री, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा हमारे पास राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस एच बी एक्स प्लस ए थ्री दे रखा है, लिमिट एच टेंस टू जीरो बी एज इट इज एक्स की जगह हमने रिप्लेस किया थ्री प्लस ए एच प्लस ए थ्री आ जाएगा हमारे पास, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा थ्री बी प्लस ए बी एच प्लस थ्री, ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, क्या आ जाएगा थ्री बी प्लस थ्री। अब हमारे पास तीनों फाइंड कर लिया हमने एफ थ्री इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हमने तीनों को इक्वल रख लिया, ये दो तो हमारे पास इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे किन्हीं भी दो को इक्वल रखना है हमें, तो ये दो तो इक्वल पहले से ही हैं तो इन दोनों को इक्वल रख लिया, थ्री ए प्लस वन इज इक्वल टू थ्री बी प्लस थ्री, थ्री ए थ्री बी को इधर लेके आएंगे क्या आएगा माइनस थ्री बी इज इक्वल टू थ्री माइनस वन, थ्री ए माइनस थ्री बी एज इट इज थ्री में से वन जाएगा टू, दोनों में से कॉमन क्या आया थ्री ए माइनस बी इज इक्वल टू टू इज इक्वल टू ए माइनस बी और थ्री को इधर लेके आएंगे टू बाई थ्री, फिर माइनस बी को भी इधर लेके आएंगे क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी प्लस टू बाई थ्री, ये इन दोनों के अंदर क्या है कि रिलेशनशिप जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, फॉर वट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, आपसे क्या पूछ रखा वट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की क्या वैल्यू होगी इज द फंक्शन, फंक्शन के अंदर डिफाइन बाई, जब डिफाइन किया गया एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, फॉर एक्स प्लस वन इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, कॉन्टिन्यूस दैट एक्स इज इक्वल टू जीरो, वट अबाउट एक्स इज इक्वल टू जीरो। आपको ऊपर जो क्वेश्चन दिया उसी के जैसा है, ये बोल रखा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसके लिए एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए, तब हमें किसकी वैल्यू निकालेंगे लैम्डा की, और वट अबाउट एक्स इज इक्वल टू वन कि इसकी कंटिन्यूटी के बारे में आप क्या समझते हैं एक्स इज इक्वल टू वन हो जब हमारे पास पॉइंट। पहले हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू जीरो टू फाइंड लैम्डा, तो हम लैम्डा फाइंड करेंगे कैसे, एफ जीरो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हमने जीरो अप्लाई किया एफ जीरो इक्वल के लिए फंक्शन क्या लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स,
लैम्डा एक्स स्केयर, एक्स की जगह जीरो का स्केयर माइनस टू इंटू जीरो, ये जीरो जीरो के लैम्डा से मल्टीप्लाई क्या आएगा, जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी हमारे पास फंक्शन क्या है, यही है लैम्डा एक्स स्केयर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू एच टेंस टू जीरो आ जाएगा। लैम्डा एक्स स्केयर को क्या लिखेंगे, जीरो माइनस एच स्केयर माइनस टू इंटू जीरो माइनस एच। यहाँ हमने इसको ओपन किया, लैम्डा बाहर रहेगा, स्केयर ओपन करेंगे, जीरो प्लस एच स्केयर माइनस टू इंटू ए बी जीरो मल्टीप्लाई एच माइनस टू की और जीरो की जीरो माइनस माइनस प्लस टू एच, ये भी जीरो है। एच स्केयर हमारे पास एच टेंस टू जीरो, ये भी जीरो, सारे के सारे क्या होंगे, जीरो। और जीरो की लैम्डा से मल्टीप्लाई होके ये भी क्या आएगा, जीरो। फिर राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच फोर एक्स प्लस वन, इसके लिए सेकंड फंक्शन है इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, फोर एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया जीरो प्लस एच प्लस वन, लिमिट एच टेंस टू जीरो फोर और जीरो जीरो हो जाएगा, फोर एच प्लस वन, एच टेंस टू जीरो है ये जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास है वन। अब देखो इसके अंदर जब एफ जीरो निकाला वो भी जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो और राइट हैंड लिमिट वन, तो इसके अंदर लैम्डा है ही नहीं हमारे पास है। जब हमने इन तीनों को निकाला तो इसके अंदर कोई लैम्डा क्या, कोई भी इक्वेशन नहीं आई, तो क्या बोल देंगे, नाइदर लेफ्ट लिमिट नॉर राइट लिमिट इन्वॉल्व लैम्डा, कि ना तो लेफ्ट लिमिट में लैम्डा है और ना ही राइट लिमिट में लैम्डा इन्वॉल्व है, सो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो इसीलिए हमारे पास कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते लैम्डा के, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब आपका फंक्शन एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए कॉन्टिन्यूस है तो हम इसकी कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। फिर हमें क्या करना था, हमें प्रूव करके हमें दिखाना था कि एग्जामिन कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू वन के लिए, पुट करेंगे x इज इक्वल टू वन, एफ वन इज इक्वल टू फोर, एक्स की जगह फोर एक्स की जगह हमने वन को रिप्लेस कर दिया, फोर वन जा वन और प्लस वन फाइव आ जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंस टू वन माइनस h आ जाएगा, वन माइनस h है तो फंक्शन क्या है, फोर एक्स प्लस वन, क्योंकि हमारे पास वन है तो वन से लेस वन से ग्रेटर सभी में क्या आएगा, सेम फंक्शन आएगा जिस जो जीरो से हमारे पास से बड़ा है। अप्लाई कर दिया लिमिट x टेंस टू जीरो फोर, और हमारे पास x की जगह वन माइनस एच प्लस वन, फोर वन जा फोर माइनस फोर एच प्लस वन, ये हमारे पास h है, ये जीरो हो जाएगा, क्या आ जाएगा, फोर प्लस वन फाइव। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू वन प्लस एच फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, फोर एक्स की जगह वन प्लस एच प्लस वन, मल्टीप्लाई करेंगे फोर वन जा फोर प्लस फोर एच प्लस वन, एच हमारे पास जीरो, ये जीरो हो जाएगा, फोर प्लस वन क्या आ जाएगा, फाइव। एफ वन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट द फंक्शन डिफाइन बाई जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। आपको क्या प्रूव करना है कि जो फंक्शन दे रखा है जी एक्स, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, सभी इंटीग्रल पॉइंट्स के लिए क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस। हेयर ग्रेटेस्ट इंटीजियर फंक्शन डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजियर लेस देन और इक्वल टू एक्स, किसके लिए है, लेस देन और इक्वल टू एक्स के लिए अप्लाई है हमारे पास। अब देखो ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजियर फंक्शन है, एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजियर फंक्शन के बारे में बताती हूँ मैं आपको, क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजियर फंक्शन, ये हमारे पास सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजियर फंक्शन का। जब भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर कोई भी वैल्यू लेके आते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो हमें एक कंप्लीट वैल्यू देगा, अगर पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स हैं वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते कि क्या पॉइंट्स हैं, क्या डिजिट्स हैं, हमें क्या मायने रखता है कि कंप्लीट वैल्यू क्या है हमारे पास। जैसे देखो एक तो हमें ये दे रखा है, मान लिया आपको दे रखा है 2.01, एक आपको दे रखा है 2.99, ये दो दे रखे हैं आपको, इसको आपने ब्रेक किया, क्या लिखोगे 2 + 0 = 1, ये लिख सकते हैं हमारे पास यहाँ आएगा 0 = 1, ये हमारे पास क्या होगा 2 + 0.99, रिप्लेस कर दिया। जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ओपन करेंगे तो क्या है, यहाँ पे देखो फर्स्ट में कंप्लीट वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है कंप्लीट वैल्यू, तो क्या आंसर देगा ये 2। इसी तरह से सेकंड में भी कंप्लीट वैल्यू क्या है 2, हमें बाद का नहीं देखना, हमें क्या देखना है कंप्लीट वैल्यू क्या है 2, तो ये भी क्या आंसर देगा 2। और अगर हम
नॉर्मली देखते हैं तो क्या बोलते हैं कि 2.01, ये तो 2 के नियरली है बहुत ज़्यादा, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, नियरली 2, तो इसको हम डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, और 2.99 आ गया तो इसको हम क्या लिख देते थे, 3। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें क्या देगा, एक कंप्लीट वैल्यू। इसी तरह से एक हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे 3 - 0.1, एक के अंदर आ गया 3 + 0.1। फिर आप यहाँ पे क्या है, 3 - 3 में से हमने माइनस कर दिया, अगर 3 में से माइनस कर दिया तो 2 point something आएगा हमारे पास, आएगा ना। इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2.9 आएगा हमारे पास। यहाँ कंप्लीट वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है कंप्लीट वैल्यू, तो ये क्या आंसर देगा, 2। यहाँ अगर हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 3.1। यहाँ कंप्लीट वैल्यू क्या है, 3, तब ये क्या देगा हमें, 3। इससे ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था, और जिन्होंने नहीं पढ़ा, 11th क्लास का सेकंड चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन की वीडियो डाल रखी है मैंने, उस वीडियो में एक बार देख लेना। थर्ड जो हमारे पास है 2.3 फंक्शन, उससे पहले जो हमारे पास वीडियो है इंट्रोडक्शन की, उसके अंदर सभी फंक्शंस के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं क्या है, गिवन जी एक्स, जी एक्स आपको याद दे रखा है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेट एक्स इज इक्वल टू सी। अब कोई पॉइंट नहीं दे रखा तो हमने क्या मान लिया, सी लेके चल पड़े बी एनी इंटीजर, जो हमारे पास कोई भी इंटीजर है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अप्लाई करेंगे, लिमिट क्या आ जाएगी, एक्स टेंस टू सी माइनस एच, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंस टू सी माइनस एच, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। अप्लाई करेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, सी माइनस एच आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस सी माइनस एच, फिर यहाँ सी माइनस एच, तो इसमें से माइनस किया तो इट मीन्स हमारे में सी में से एक कम आएगी, जैसे 3 में से कुछ कम किया था हमने, तो यहाँ 3 था तो हमने क्या लिया, 2। इसी तरह अगर यहाँ पर C है तो C में से हमने जब कुछ माइनस कर दिया तो क्या आएगा, C माइनस 1 देगा हमें यहाँ, तो माइनस बार है और अंदर क्या आएगा, C माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, C से C कैंसल, और H हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, ये क्या आ जाएगा हमारे पास से 1। उसके बाद हम किसके लिए प्रूव करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या दे रखी है, लिमिट x टेंस टू C प्लस एच, एक्स माइनस से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब एक्स की जगह सी प्लस एच आ जाएगा, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सी प्लस एच, इसके अंदर हमने कुछ ऐड कर दिया तो ऐड करने का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आएगा, सी आएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, सी प्लस एच, और माइनस सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, एच हमारे पास एज इट इज़ है, एच हमारे पास क्या है, 0, तो क्या आ जाएगा, 0। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या हो गया, यहीं पे डिसकॉन्टिन्यूस, देन जी एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। हम एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। फंक्शन बताना है कि एट एक्स इज इक्वल टू पाई के लिए कॉन्टिन्यूस है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। लेट अस एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू पाई के लिए। एफ पाई एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। एफ पाई हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर, और साइन पाई क्या होता है, साइन 0 इक्वल टू साइन पाई, साइन पाई और साइन 0 पे ये हमारे पास ये होती है टेबल। यहाँ पे क्या है, 0, और यहाँ क्या होता है, पाई। जो वैल्यू यहाँ होगी साइन की वही वैल्यू यहाँ आएगी, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क होता है और कुछ नहीं होता। अब साइन 0 इज इक्वल टू साइन पाई, वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, तो साइन पाई क्या आ जाएगा, 0 प्लस 5 क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एच एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। अब इसको ओपन करेंगे, पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एच माइनस साइन पाई माइनस एच, पाई में से कुछ माइनस कर दिया तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा वहाँ से, साइन एच और प्लस 5। अब हमारे पास पाई स्क्वायर और प्लस 5, और हमारे पास सभी टर्म किसके हैं, एच स्क्वायर की, ये भी 0, ये भी 0, और साइन एच, एच की जगह 0 पुट करेंगे, साइन 0 क्या होता है, 0, तो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5।
राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई प्लस आ जाएगा, पाई प्लस एच का स्केयर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस है 5, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पाई स्केयर प्लस एच स्केयर प्लस टू पाई एच माइनस साइन पाई के अंदर कुछ ऐड करेंगे हम, ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो क्या आ जाएगा माइनस साइन माइनस एच आ जाएगा, और साइन के अगर एंगल के अंदर नेगेटिव तो वो नेगेटिव हमेशा बाहर आता है, तो इसलिए माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा साइन एच प्लस 5, साइन एच एक्स टेंस टू लिमिट हमारे पास 0 है, पाई स्केयर प्लस 5 एच स्केयर प्लस 2 पाई एच प्लस साइन एच, ये भी 0 हो जाएगा और साइन 0 0, तो क्या आ जाएगा पाई स्केयर प्लस 5। अब हमारे पास तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल हैं तो क्या बोल देंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई के लिए। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।